इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। आज आप ये समझने वाले हैं कि आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमें बीमारियां क्यों होती हैं। दोस्तों, इस चीज को मैं रिलेट करना चाहूंगा एक वायरस से। एक कंप्यूटर के अंदर जब वायरस आता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर है, आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं और वो एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में से वायरस को ढूंढ कर उसे निकाल देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये वायरस कहां से आता है? दोस्तों, ये वायरस वही कंपनियां बनाती हैं जो कंपनियां एंटीवायरस बनाती हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों, अगर वायरस होंगे तभी तो एंटीवायरस बिकेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। इसी तरह से ही आजकल की ये जो बीमारियां हैं, इनमें से ज्यादातर बीमारियां तो बना दी जाती हैं। आयुर्वेद कहता है बीमारियां सिर्फ तीन हैं, यानी कि दोष सिर्फ तीन ही हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन अगर आज की मेडिकल साइंस की बात करें तो डायबिटीज भी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर भी बीमारी है, बालों का झड़ना, पिंपल्स, न जाने कितनी बीमारियां आज के मेडिकल साइंस ने बना दी। इतनी बीमारियां बना दी कि आप गिन भी नहीं सकते, और उसके लिए दवाइयां इतनी बना दी कि आप गिनते थक जाएं। लेकिन दोस्तों, ये बीमारियां भी क्रिएट की जाती हैं। एग्जांपल के लिए आप सिर दर्द ले लीजिए। मान लीजिए आपको सिर दर्द है तो आप पेन किलर लेंगे, कल आपको सिर दर्द होगा फिर से पेन किलर लेंगे। पेन किलर लेने से आपका दर्द ठीक नहीं होता, बस आपको महसूस होना बंद हो जाता है कि आपका सिर दर्द ठीक हो गया है। लेकिन समय पड़ने के साथ साथ यही सिर दर्द माइग्रेन बनकर आपके सामने आता है, यानी कि आपने ली तो पेन किलर लेकिन आपकी प्रॉब्लम माइग्रेन में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से ही मान लीजिए आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, ढेर सारा रिफाइंड ऑयल आप खाते रहेंगे, आपको बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगी जिसमें कहा जाएगा कि रिफाइंड ऑयल दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो आप सोचेंगे कि हमें तो रिफाइंड ऑयल खाना चाहिए। आप रिफाइंड ऑयल खाते रहते हैं और आपको आगे चलकर दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि पहले मार्केट में रिफाइंड ऑयल निकाला गया, आपको कहा गया कि ये तो दिल के लिए अच्छा है। अब अगर आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारी हो गई तो उसके लिए आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स मिल गए। यानी कि पहले तो आपको रिफाइंड ऑयल खिलाकर बीमारी क्रिएट की गई और उसके बाद आपका इलाज किया गया। दोस्तों, ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। आपको समझना है कि आपके शरीर के लिए क्या सही है। दोस्तों, जो आप अपने घर में लाते हैं वही आपके बच्चे खाते हैं। अगर घर में आप चाय लाएंगे तो आपके बच्चे चाय ही पिएंगे। अगर आप अपने घर में ढेर सारी आइसक्रीम्स लाएंगे तो आपके बच्चे आइसक्रीम्स ही खाएंगे। अगर आप शुरू से ही अपने बच्चों को फल और सैलेड खाने की आदत डलवा देते हैं तो आपके बच्चे जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। यानी कि ये जिम्मेदारी आपकी है। आप पहले खुद को स्वस्थ करें और बाद में अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो हमारे घर में है, घर की किचन में है, ऑलमोस्ट फ्री की चीज है और उससे आपकी ढेरों बीमारियां ठीक हो सकती हैं। वो बीमारियां जिसके लिए आप अपने हजारों लाखों, इवन कि लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी वो बीमारियां आपके शरीर से जाती नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उस चीज को खाने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे आपकी वो सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों, वो चीज है हल्दी। हल्दी के ऊपर अमेरिका ने कई पेटेंट्स ले रखे हैं। क्या आपको पता है हल्दी से कैंसर ठीक हो जाता है? हल्दी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह, शुगर जिसे हम कहते हैं, वो बीमारी ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, हल्दी से चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स, मोटापा, जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, अगर आपको टेंशन रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर बीमारी में ये हल्दी काम आती है। इसीलिए तो हल्दी को आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि माना गया है। लेकिन आजकल हमने हल्दी को सिर्फ एक टेस्ट का हर्ब बना लिया है, यानी कि सिर्फ एक ऐसा पाउडर जो हमारी सब्जी को पीला रंग देता है, एक ऐसा पाउडर जिसे सब्जी में डालने से सब्जी टेस्टी हो जाती है। क्या हल्दी वाकई एक टेस्ट की चीज है? तो ये समझते हैं हल्दी किस तरह से खानी चाहिए और हल्दी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि जो हल्दी आप अपने घर में लेकर आते हैं वो हल्दी दरअसल है ही नहीं, वो सिर्फ एक पीले रंग का पाउडर है, एक ऐसा पाउडर जो आपकी सब्जी को रंग देता है। अगर हल्दी का सही मायने में फायदा लेना चाहते हैं तो पंसार की दुकान से अंबा हल्दी लेकर आइए। वो हल्दी जो नेचुरल फॉर्म में है, वो हल्दी जो आपको सही में बीमारियों से छुटकारा दिलाएगी। फिर ये मत कहना कि सर हमने तो हल्दी का इस्तेमाल किया लेकिन फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, जो हल्दी यानी कि जो पीले रंग का पाउडर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हल्दी नहीं, वो सिर्फ रंग है। तो इसीलिए मार्केट से अंबा हल्दी लेकर आइए और उसका इस्तेमाल वैसे करिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप सुबह उठें तो उठते ही बिना ब्रश किए 1/4 चम्मच हल्दी एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर उसे पी जाएं। ऐसा आपको हर रोज करना है, 2-3 महीने ऐसा करके देखिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे।
दोस्तों आइए जानते हैं, अगर आप इस तरह से 2 से 3 महीने हल्दी का सेवन करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपके घर से गायब हो जाएंगी। पहली बीमारी है मोटापा, यानी कि वजन का बढ़ना। आज के समय में पूरे भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से परेशान है। हर घर में आपको एक ना एक व्यक्ति तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसको मोटापा है। मोटापा होने पर सबसे बड़ी बात है, आपको टेंशन हो जाती है। आप सोचते हैं मोटापे को कम कैसे करें, और ये टेंशन आपका मोटापा और बढ़ा देती है। टेंशन होने से हमें और कई बीमारियां बनती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है चिंता चिता के समान है, क्योंकि दोस्तों चिंता करने से हमारे शरीर में 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पहला एड्रेनालिन और दूसरा कोर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन्स जैसे ही आपके शरीर में रिलीज होंगे तो आपके शरीर की प्रोसेसेस चेंज हो जाएंगी, कुछ प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगी, जैसे कि बोन्स फॉर्मेशन, हड्डियों का बनना स्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इस तरह से कई बीमारियां हैं जो आपके टेंशन लेने की वजह से होती हैं, और टेंशन होती है मोटापे की वजह से। तो अगर आप हल्दी सुबह खाली पेट मेरे कहे हुए तरीके से लेना शुरू करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आप अपना 15 से 20 किलो वजन घटा सकते हैं, यानी कि मोटापा कम हो सकता है सिर्फ हल्दी के जरिए। आप प्लीज हल्दी को 2 से 3 महीने इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे 15 से 20 किलो तक वजन आपका बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम हो जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, जोड़ों के दर्द में ये हल्दी रामबाण है। आजकल कम उम्र में लोगों के घुटनों में, एड़ी में, जोड़ों में दर्द रहता है। हम लोग बैठ जाएं तो खड़े होना मुश्किल हो जाता है। लड़कियों में आजकल अक्सर देखा गया है कि उनकी एड़ी में बहुत दर्द रहता है। जैसे ही वो सुबह उठती हैं तो उनको पांव जमीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उन लड़कियों को 2 चीजें करनी है। पहला तो आपको आक का पत्ता गरम करके अपनी एड़ी पर हर रोज रात को सोने से पहले लगाना है, और दूसरा सुबह उठते ही अंबा हल्दी थोड़ी सी, जैसा मैंने आपको बताई, उस तरीके से खानी है। सिर्फ इतना करने से आपको जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा, क्योंकि हल्दी के इस्तेमाल से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कम होता है, जिससे कि हमें जोड़ों के दर्द, एड़ी के दर्द, घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। अगर आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी रहती है तो भी आपको हल्दी का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। दोस्तों आजकल अपना करियर बनाने के चक्कर में हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से इंसान के बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। ज्यादा टेंशन लेने से नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं तो सुबह खाली पेट, जैसा मैंने आपको बताया, वैसे हल्दी का सेवन कीजिए। आपको टेंशन से बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि हल्दी हमारे टेंशन के हॉर्मोन्स को कम करने का काम करती है। इतना नहीं दोस्तों, हल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करती है। आयुर्वेद कहता है जिस इंसान का डाइजेशन स्ट्रांग है उस इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होती। आजकल इंसान को जितनी बीमारियां हैं उसमें से मैक्सिमम बीमारियां इंसान के खराब पेट की वजह से होती हैं। दोस्तों हम लोग खाते गलत हैं जिस कारण से हमारा पेट खराब हो जाता है। हमारा पेट किसी गाड़ी के इंजन की तरह है। अब पेट्रोल गाड़ी में आप डीजल डालकर देखिए, जब पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालते हैं तो उस गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। उसी तरह से ही हमारे इस पेट में अगर हम कुछ गलत डालते हैं तो वो पेट भी खराब तो होगा ही, चाहे आपको इंस्टेंटली महसूस ना हो, लेकिन बीमारियों के रूप में तो आपको पता चल ही जाता है। तो इसलिए आपका डाइजेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में आपको हल्दी का सहारा लेना चाहिए। अगर आप सुबह खाली पेट हल्दी हर रोज खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन मजबूत होता है, जिससे आपका खून साफ रहता है। खून साफ रहने से आपकी ढेरों बीमारियां, जैसे कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, चेहरे की झुर्रियां, आपके सिर के बालों की ग्रोथ, ये सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। आपके बाल लंबे होने लगते हैं, बालों का झड़ना रुक जाता है, बाल काले होने लगते हैं। दोस्तों हल्दी के सही ढंग से सेवन से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। अगर आपके घर में किसी को कैंसर की बीमारी है, या आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई कैंसर का मरीज ना बने, तो प्लीज आज से ही सुबह खाली पेट हल्दी का सेवन शुरू करें, क्योंकि हल्दी के अंदर का कर्क्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और यही एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं, जिससे कि इंसान कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच जाता है। गले के टॉन्सिल्स होने पर भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। बच्चों के गले में अक्सर ही टॉन्सिल्स हो जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर कहता है कि टॉन्सिल्स काट कर निकाल दीजिए। दोस्तों हमारे शरीर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसे काट कर निकालना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंसानों ने पैसा कमाने के लिए अलग अलग ट्रिक्स बना ली है। अगर बच्चों के गले में टॉन्सिल्स हैं तो अंबा हल्दी का 1/4 चम्मच उस बच्चे के गले में उतार दीजिए। जैसे जैसे लार के साथ वो हल्दी उसके पेट में जाएगी, वैसे वैसे उसके टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। 1 से 2 बार ऐसा करने से ही टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक हल्दी के जरिए कैसे हम ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।
इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों का इलाज कीजिए, क्योंकि बीमारियों का इलाज बहुत सरल तरीके से होता है और घर में ही हो जाता है। लेकिन अगर आज की मेडिकल साइंस से बीमारियों का इलाज करेंगे तो हजारों लाखों रुपए भी लगेंगे और आपको 1% समझ भी नहीं आएगा कि आपका इलाज हुआ कैसे। और वैसे भी वो इलाज करवाने से आपको साइड इफेक्ट्स भी तो आएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों का इलाज करते हैं तो साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते और बीमारी जड़ से ठीक होती है। दोस्तों, अगर आप बीमारियों का इलाज कैसे हम घर में पड़ी हुई चीजों से कर सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर नई आयुर्वेदिक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप ये जान पाएं कि कैसे बीमारियों का इलाज घर में संभव है। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन अप हो, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।